इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर 9 की 9 सीटें खान साहब जीत गए, जिता दी हमने। लेट्स सपोज खान साहब जीत गए, इलेक्शन कमीशन ठीक है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमें कभी इत्माद नहीं है। तो जीत कैसे गए? लेकिन ये दांदी किस तरह करते हैं? ये दांदी करते हैं, मैनेज कर सकते हैं 10-15-20,000-40-50,000 तक उसकी आ जाती है, तो फिर उसके लिए रास्ते नहीं रहते। अभी जितनी PTI इलेक्शनियरिंग को समझती है ना, शायद कोई और पार्टी समझती हो। जो सियासी कमेटी है उसका एक जुमला है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जो भी करेंगे, जमीयत उलमाए इस्लाम शिरानी के माबैन तयशुदा मुश्तरक सियासी अहदाफ के हुसूल के लिए काम किया जाएगा। ये तयशुदा मुश्तरक सियासी अहदाफ कौन से हैं, जरा इसको डिफाइन कर दें ताकि पब्लिक को पता चले आप करना क्या चाह रहे हैं। नहीं, बेसिकली यही है ना, मैंने जो आपको पहले से बात की है कि हम चाहते हैं कि ये एक वेलफेयर स्टेट, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट हो। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट के लिए हमारा एक प्रॉपर इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, और मदीने और रियासत की क्या हद हाल थी, तो इस हमारे पास रिटन एग्रीमेंट है, और इसके लिए जो जो इकदाम आइंदा हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी, टूटर मेजोरिटी आएगी इंशाल्लाह ताला। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह, और हम जो है इस सिचुएशन के बावजूद, देखो वो तो होता रहता है ना, हालात से घबराना नहीं चाहिए, हालात तो जो भी हो, मैं तो कोई जज्बातियत नहीं। गवर्नमेंट तब आएगी जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन तो अभी आपकी एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट है कि आप 25 सितंबर को बाय इलेक्शंस में खान साहब खुद 9 हलकों से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी आपको जनरल इलेक्शन की जरूरत नहीं है, आप बाय इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ये तो एंडोर्समेंट है सर। नहीं देखिए, हम किसी फॉर्म को जो है ना हाथ से नहीं जाने दे रहे। अच्छा, और ये जो इलेक्शन हो रहा है इंशाल्लाह ताला, इन्होंने ये गलती की है कि 9 हलकों को जो है ना डिस्क्वालीफाई करके, उसका ख्याल ये है कि ये इन्होंने जो आपस में मशवरे किए ना, उसका ख्याल में ये कमज़ोर हलके थे, और या कम मार्जिन से हमने जो जीती थी, मतलब जो जो चाहिए। इंटरेस्टिंगली जिस तरह पंजाब में इनको सेट बैक मिला है, इधर भी उनको वही सेट बैक मिलेगा। ये 9 की 9 सीटें, बल्कि जो हमारे अभी शामी साहब का भी है, ये 10 की 10 सीटें तरीके साहब जीतेगी, और इनके बाद इसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन मुझे डर यह है कि ये इलेक्शन से भागेंगे। नहीं, ये 9 की 9 सीटें जीत के क्या आपका इलेक्शन कमीशन पर एतमाद बहाल होगा 9 की 9 सीटें जीतने के बाद? देखिए, आप जमीनी इंतखाबात में जीते इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर, 9 की 9 सीटें खान साहब जीत गए, जिता दी हमने, एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज खान साहब जीत गए, इलेक्शन कमीशन ठीक है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमें कभी इत्माद नहीं है। तो जीत कैसे गए? लेकिन मैं इसमें लेकिन कहता हूँ ना, देखो ये दांदी किस तरह करते हैं, ये दांदी करते हैं, मतलब ये मैनेज कर सकते हैं 10-15-20,000 को जो है मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब ये 40-50,000 तक उसकी आ जाती है, तो फिर उसके लिए रास्ते नहीं रहते। और अभी जितनी PTI इलेक्शनियरिंग को समझती है ना, शायद कोई और पार्टी समझती हो, हमारे हर पोलिंग बूथ में लायर होगा, और हर पोलिंग बूथ में 100 वर्कर्स होंगे, और हमें पूरा लीगली समझ है कि इसका क्या करना है। अभी तरीके साहब के साथ रिगिंग जो है ना, ये नामुमकिन में हो गया। हाँ, ये क्या कर सकते हैं, ये अपने RO लगा सकते हैं अपने जो है ना। तो जब रिगिंग आपको लगता है कि नामुमकिन में शामिल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन कोई भी हो, इलेक्शन कमिश्नर कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना हमेशा वही होना चाहिए जो कि कानून के मुताबिक कार्य, मेरिट के मुताबिक काम करे, उसकी कोई बायस ना हो, वो किसी की तरफ इंक्लाइन ना हो, वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दिया गया पैरामीटर है उसके अंदर होके काम करे। ये तो नहीं है कि वो जो है ना किसी पार्टी को गिराना, किसी को पार्टी को चढ़ाना, किसी को फेवर देना, इसके ऊपर हमें ये इतराज़ है। हमें इतराज़ ये कि रिजल्ट अनाउंस करने में ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ये हमें फेयर प्ले दे। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।